किसको एनआरओ मिल गया है? मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन वालों को एनआरओ उनका हो गया है। अच्छा, और इमरान साहब चीख रहे हैं कि जी मैंने एनआरओ नहीं देना है। ओए होए। अगर वो वाकई इस मुल्क के चीफ रेस्टिव हैं और बड़े मजबूत हैं और उनकी चलती है तो फिर तो एनआरओ नहीं होगा। और अगर नहीं है तो फिर आप देखें, जब मियां साहब मुल्क से बाहर जाएंगे फिर इमरान क्या बोलेंगे कि क्या। ये जरा पूछ लूं अजमा साहिबा से, अगर इजाजत दीजिए। देखें, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ। बात यह है कि अब जैसे आपने कहा, एक और चीज मैं उस पर दूं, मैंने पहले भी इस पर कहा कि पीके में अगर कोई शख्स पकड़ा जाए उस पर इमरान खान की चीखें निकल जाती हैं कि डॉक्टर समर साहब क्यों पकड़े गए हैं। और फिर हमारे जो हैं ऑनरेबल जो हैं नैब के चेयरमैन कहते हैं मेरे सामने पेश करें। क्या बाकी जो नैब ज्यादा लोग हैं जिन्होंने नैब को जिनको पकड़ा, क्या चेयरमैन साहब उनको भी पर्सनल हेयरिंग करेंगे कि वजीर आजम साहब के प्रेशर में आकर वो उस डॉक्टर साहब को जो है वो जो है चले। ये तो बात होगी, अच्छा लेकिन होता, अजमा अच्छा साहब से जरा पूछने दी नहीं जो आपने। प्रोफेसर साहबान को भी बुलाते। हम हाँ। कहते हैं कि नैब पे प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नैब को जो है अपना ऐसे नहीं है कि आपको इमरान खान और उनके पीएम के